नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुफ्तामो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बार आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं अपने एक नए वीडियो के माध्यम से। पर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आने वाली हर जरूरी सूचनाओं के साथ जुड़े रहें। तो आइए शुरू करते हैं सर। दोस्तों, आज का हमारा ये नया वीडियो जिसका विषय है रियलिटी ऑफ बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इंट्रोडक्शन के फॉर्म में बताना चाहेंगे ताकि आपको एक सर्टेन क्लैरिटी मिलती जाए कि हो क्या रहा है। बश्कीर के अगर इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आप गूगल पे जाइए, बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लिखिए, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पे आप इस पेज को ढूंढिए जो मेडिकल बिजनेस के नाम से दिखेगा आपको। उस पेज पे जाने के बाद आपको बहुत ही बारीकी से इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको पहले तो जनरल मेडिसिन का कोर्स ड्यूरेशन मालूम होना चाहिए कि जनरल मेडिसिन का कोर्स ड्यूरेशन कितना है और उसका कोड कितना है। जनरल मेडिसिन का जो कोड है रशिया में जो यूज किया जाता है वो 31.05.01 यूज किया जाता है। ट्रेनिंग पीरियड इसका 6 ईयर्स है। फॉर्म ऑफ स्टडीज फुल टाइम एंड नंबर ऑफ सीट्स 320। बजट /250 पेड। ये बात को आप याद रखिए, मतलब कि 250 से 320 सीट्स के बीच में इनके पास सिटिंग कैपेसिटी है। इस चीज को आप सभी को याद रखना है। अब हम बात करेंगे फॉरेन मेडिकल लाइसेंसियट रेगुलेशन की, जो NMC ने प्रेजेंट की गई थी, हम उसको भी आपके स्क्रीन के सामने रख रहे हैं। आपको वहां पे भी कुछ बातों को ध्यान से पढ़ना है जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप जिस कंट्री में भी जाना चाहते हैं अब्रॉड के माध्यम से, वहां पे आपको 54 मंथ का कोर्स ड्यूरेशन पढ़ना है, आपकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में होनी चाहिए, 1 साल का इंटर्नशिप करना है, जिस कॉलेज से आप MBBS करेंगे उसी कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में आपको इंटर्नशिप करना है, ये चीजें बहुत जरूरी है, और आखिर में आपको उस कंट्री का लाइसेंस भी लेके आना है। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखिए, कहने का मुद्दा क्या है, आपको हर जगह हर कोई अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में चीजों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आपको कभी भी आज की नहीं सोचनी है, आपको आज से 10 साल बाद 15 साल की बात सोचनी है, क्योंकि उसी तरीके से आप किसी भी रूल्स को जस्टिफाई कर पाते हैं कि उस रूल से ये बेनिफिट होगा या ये लॉस होगा। तो जब आपको सोचने की जरूरत है, जब NMC ने इन पॉइंट्स को रखा तो उनकी मंशा क्या थी। देखिए, सबसे बड़ी बात, द पर्पस ऑफ दीस रूल्स वर वेरी सिंपल, वो एजुकेशन क्वालिटी के फंडामेंटल्स को मेंटेन करना चाहते थे। उन्होंने ये कहा कि भाई आपको पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में करनी है, तो उससे उनका मतलब क्या था, उनको ये मतलब था कि दे आर इनडायरेक्टली एनकरेजिंग द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस टू अवेल द बेस्ट फैकल्टीज, बेस्ट टीचिंग मेडिकल फैकल्टीज टू टीच थ्योरी एंड क्लिनिकल स्किल्स। जब उन्होंने ये कहा कि आपको उस कंट्री से इंटर्नशिप करके आनी है, इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था द हॉस्पिटल और द टीचिंग मेडिकल कॉलेज विल नाउ हैज टू गिव यू अ गुड मेडिकल हॉस्पिटल एक्सपोजर। आपको क्लिनिकल स्किल्स सिखाई जाए, आपकी ट्रेनिंग हो, आपको उन सभी चीजों से अवगत कराया जाए जो एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ डिग्री देके वापस नहीं भेजना है। तो आपको इन चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। हर कोई अपने अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करता है, हर स्टूडेंट, हर पेरेंट, हर कंसल्टेंट आपको अपना अपना परसेप्शन क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन यू ऑलवेज नीड टू अंडरस्टैंड द ग्रेटर गुड। हालांकि दोस्तों, हम शुरू करने से पहले इसको भी हम बताना चाहेंगे, इस साल का जो बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन अपडेट आया है सितंबर 2022 इनटेक के लिए, वहां पे आपको जान के बड़ा ही हैरानी होगी कि 1200 से अधिक एडमिशन लिए गए हैं। अब आपको समझने की जरूरत है कि बश्कीर के बारे में हमने आपको क्यों बताया है, क्योंकि आपको ये चीज जानने की जरूरत है कि हम इससे पहले भी बश्कीर के बारे में एक वीडियो को बना चुके हैं और वो तथ्य हमने सभी के सामने उपस्थित भी किया था। जब हम बश्कीर की बात करेंगे तो आज के टॉपिक पे हम सिर्फ डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं, डिसएडवांटेज ऑफ स्टडिंग MBBS इन बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। शुरू करने से पहले इसमें भी आप एक इम्पोर्टेंट नोट याद रखिए कि बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज नो डाउट अ रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ रशिया, बट यहाँ पे जो बात हो रही है वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला, टिल एकेडमिक सेशन 2020 बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वॉज अ प्योर बायलिंगुअल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जहां पे पहले 2 से 3 साल रशियन या इंग्लिश में पढ़ाया जाता था और उसके बाद आखिरी के 3 साल रशियन में पढ़ाया जाता था। तो ये चीज को भी आपका जानना जरूरी है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने आज से 1.5-2 साल पहले वीडियो भी प्रोड्यूस किए जो हर किसी को यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको वीडियो देखने से काफी सारी चीजें समझ में आएंगी। अब 18 नवंबर 2021 को नेशनल मेडिकल कमीशन का फॉरेन मेडिकल लाइसेंसियट रेगुलेशन आया, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई वही कॉलेजेस आप MBBS को पढ़ा पाएंगे जो फुल्ली इंग्लिश होंगे,
और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारी इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को ने हर स्टेट और फेडरल मेडिकल यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना शुरू किया और उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज अपने फंडामेंटल्स को बताएं कि आप इंग्लिश में पढ़ा पाएंगे या नहीं। और उस पॉइंट पे मेजॉरिटी ऑफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज ने कंफर्म किया कि वो अब से फुल्ली इंग्लिश मीडियम मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे। बट बश्कीर में इस चीज को करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी सीट को, जो एक जमाने में वो 100 से 150 बच्चों के एडमिशन को लेते थे, उन्होंने उसको सीधा इंक्रीज करके 1200 प्लस पे कर दिया। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और इसका सबूत अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और दूसरा, अगर आपको उसको रीकन्फर्म करना है तो आप यूनिवर्सिटी और एम्बेसी को मेल में सीसी कर सकते हैं ताकि आपको क्लियर कट डाटा मिले और आप किसी भी बश्कीर के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से आप बात करेंगे तो आपको इस चीज की पुष्टि भी मिल जाएगी। अब तीसरा पॉइंट है कि जब आप 1200 से ज्यादा एडमिशन की बात करते हैं तो इनके लिए किस तरीके के हॉस्टल अकोमोडेशन की फैसिलिटी होगी, किस तरीके से इनके लिए क्लासरूम की फैसिलिटी होगी, किस तरीके से इनके लिए टीचिंग फैकल्टी की फैसिलिटी होगी और किस तरीके से इनके लिए हॉस्पिटल एक्सपोजर की फैसिलिटी होगी, क्लिनिकल स्किल ट्रेनिंग की फैसिलिटी होगी, इसके बारे में अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे आपको पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में करानी है। 1200 बच्चे, जहां पे आपको 150 बच्चे थे और उस समय पे आप बाइलिंगुअल थे और यहाँ पे आप सीधा 1200 के ऊपर जंप कर चुके हैं, तो उस लेवल पे आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग टीचिंग फैकल्टी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जब 150 से आप 1200 एडमिशंस लेंगे और उनको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो इसका सबसे बड़ा रिपरकशन क्या होता है वो आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहला जो अब अगले 6 सालों में आपको देखने को मिलने वाला है, दैट विल बी फोर्सफुल एक्सपल्शन ऑफ स्टूडेंट्स। छोटी छोटी बातों पे बच्चों को फेल किया जाएगा और उन्हें निकाला जाएगा। ये चीज होना बहुत ज्यादा स्वाभाविक है, सो दैट द इंस्टीट्यूशन कैन मेंटेन द स्टूडेंट टीचर रेशियो इन द क्लासरूम एंड हॉस्पिटल्स। प्लीज ये बात को नोट करें। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब इतना बड़ा आपने मेस क्रिएट कर दिया है जिसमें आपके पास 150 से सीधा 1200 बच्चे हैं, आपके पास हॉस्टल एकोमोडेशन का कोई कंफर्मेशन नहीं है, टीचिंग मेडिकल फैकल्टी का कोई अपडेट नहीं है, आपके पास कोई भी मतलब ऐसा ग्राउंड नहीं है जिसको आप प्रूव कर सके, तो आप इन्विटेशन लेटर्स को देने में भी डिले कर रहे हैं। तो ये भी काफी सारे स्टूडेंट्स को देखने को मिल रही है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी बीन कंफ्यूज्ड। जिस तरीके का आप 150 से 300 पे ले जाते तो एक अलग ग्राउंड होता, 350 भी समझ में आता है, बट आप उसको सीधा 1200 प्लस पे लेके चले गए, तो ये भी सोचने वाली बात है। क्योंकि आज के टाइम पे जब जब आप नंबर इंक्रीज करेंगे आप क्वालिटी को डिक्रीज करेंगे। सबसे बड़ी बात, जब हम एडवाइस की बात करेंगे फ्रॉम द ऑफिस ऑफ सफ्तामो एजुकेशन ग्रुप, तो हम सिर्फ इतना कहेंगे आपसे कि आप काफी जो जो बच्चा बश्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहा है, प्लीज वेट एंड वॉच and ask for official information from the university and if possible aap embassy of india in moscow ko involve kijiye, unko engage kijiye taki wo us cheez ko confirm kare। aap bashkir ko avoid kijiye, agar aapko thoda sa bhi doubt ho raha hai na to aap bashkir ko avoid kijiye, kyunki jab wahan pe 1200 bachcho ke beech mein baithenge tab aapko samajh nahi aayega ki wo kya raha hai aur agle 6 saal will be a disaster। कंसल्टेंट्स आज के टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि किसी भी तरह इन बच्चों को इनविटेशन दिला के इनको यहाँ से ट्रैवल करवाया जाए, सो दैट द ब्लंडर कैन बी रिजॉल्व्ड। क्योंकि एक बार बच्चा वहां चला जाएगा तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शियली खत्म हो जाती है। तो प्लीज द स्मार्ट वंस विल वेट पेशेंटली एंड दे विल आर्ग्यू विद द कंसल्टेंट, तो ये बात याद रखिए। आखिर में हम आप सभी से यही कहना चाहते हैं कि हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो फैक्चुअल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। एनएमसी के गाइडलाइंस का क्या महत्व है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। वी डू नॉट वांट गुड नंबर ऑफ डॉक्टर्स बट वी वांट गुड क्वालिटी डॉक्टर्स, ये मोटो रहा है एनएमसी का। और एक बात हमेशा याद रखिए, सच की चोट झूठ की राहत से ज्यादा बेहतर होती है। सो द मोर यू विल अंडरस्टैंड द बिटरनेस और वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ, द मोर यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। काफी सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो 3-3, 4-4 साल का ड्रॉप लेके बैठे हैं। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन की वॉर से रिटर्न होके आए थे और वो री एडमिशन ले रहे हैं। इन सब बच्चों को जगह आप एक पैनल में लाके छोड़ते हैं तो उनके पास गिफ्ट के तौर पे बश्कीर नहीं है, इट इज लाइक अनदर ब्लंडर। तो आपको ये चीज समझने की बहुत जरूरत है, आप सही सजेशन ले, सही कंसल्टेशन ले एंड बी फोकस्ड, और आप हर चीज का रिटर्न आर्ग्यूमेंट करें, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग।
थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू आवर वीडियो एंड हैव अ वेरी गुड डे.